सबका मेरे चैनल पे। दोस्तों, एक ऐसा एयरफोन जिसमें बहुत सारे चीज़ें है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कुछ एक चीज़ ऐसी है जो बढ़िया नहीं लगा मुझे, और उस वजह से मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। नहीं तो अदरवाइज़ मैं बता दूँ, दो फीचर मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ द नंबर वन इज़ जो वाइब्रेशन अलर्ट फीचर होता है, ये बहुत में कम में होता है। तो ये कॉल आने पर आपको पता चलता है कि भाई कॉल आ रहा था, वाइब्रेट होने लगता है, जो बटन का जो साइड है वहाँ पर है, वाइब्रेशन होने लगता है। दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज़ SD कार्ड स्लॉट, और ये इस एयरफोन में है। टेकफायर प्लैटिनम का ये एक एयरफोन है, ये नेक बैंड है, इसमें आपको SD कार्ड स्लॉट मिलता है। मतलब कि नो नीड टू हैव अ स्मार्टफोन, बिना स्मार्टफोन के आप सिर्फ SD कार्ड डाल के आप गाना भी सुन सकते हैं। इससे ऐसा मतलब कभी भी अगर आप वॉक पे जा रहे हैं, आप सोच रहे हो कि यार मेरे को अभी फ़ोन नहीं लेना, मेरे को सिर्फ गाना सुनना है, तो भाई साहब आप ले लीजिए, SD कार्ड डाल लीजिए और गाना सुनिए जाके। तो सिर्फ सॉन्ग के लिए, सॉन्ग के पर्पस के लिए ही है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक लवर है तो भाई साहब ये आपके लिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरी कार्ड होने के बाद भी बैटरी काफ़ी कम रखा है इसका। इसकी जो बैटरी है वो आपको लगभग मिलता है 12 आवर्स का, जो आपको अप्रॉक्सीमेटली 5-6 घंटे का कंटिन्यू हैवी यूसेज पे आपको दे देगा बैटरी बैकअप। तो मेरे हिसाब से दो दिन में दो बार आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो SD कार्ड अगर आपको मिल भी रहा है तो अभी आपको दिन में दो बार आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। कॉलिंग इसका बहुत अच्छा है, कॉल क्वालिटी में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। 1 ईयर का वारंटी भी आपको मिल जाता है, रिप्लेसमेंट वारंटी। तो कॉल कनेक्टिविटी के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बैटरी का तो मैंने आपको बता दिया, 5-6 घंटा आपका जाएगा अगर आप दो बार दिन में आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा, अगर इफ़ यू आर अ हैवी यूज़र। नॉर्मल यूज़र रहोगे तो एक दिन भी चला जा सकता है आपका। जो SD कार्ड का है वो फ़ीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें वाइब्रेशन अलर्ट का फ़ीचर नहीं है, तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये एक दो ऐसे फ़ीचर्स है जो एक्चुअली हर नेक बैंड में अगर हो गए तो सोने पे सुहागा जैसे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी के। तो साउंड क्वालिटी मैं बोलूँगा यस है, डीप बेस है, सराउंडिंग है, बट जैसे सब लोग ज़्यादा फ़र्क नहीं आपको महसूस होगा, नॉर्मल है। क्वालिटी सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, जैसे ट्रेबल है, 3D सराउंडिंग है, सुनने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन जो बेस है ना, वो उसके लिए आपको वैसा, वो सॉन्ग पर निर्भर करता है। तो ज़्यादा उतना खतरनाक डीप बेस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक है इसके लिए। तो ये एयरफोन किसके लिए, नेकबैंड किसके लिए सही हो सकता है, जो म्यूज़िक लवर है, जो मतलब बिना स्मार्टफोन के भी SD कार्ड यूज़ करके जा सकता है। 500 रुपीज़ का आता है, 1 ईयर वारंटी है, बैटरी इसका प्रॉब्लम है। बिल्ड क्वालिटी लुक वाइज काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये, मतलब उस मामले में अगर आपको कोई एयरफोन लेना है। लेकिन मैं रिकमेंड अगेन नहीं करूँगा, क्योंकि देखो दो फीचर बहुत अच्छा लगा मुझे, एक तो SD कार्ड है, लेकिन वाइब्रेशन अलर्ट वही भी बहुत एक अच्छा फीचर है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो वैसा, लेकिन बैटरी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा।